तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं फेमस बीजीएमआई प्लेयर्स की न्यू टीम के बारे में। क्या वो इंटरनेशनल और होने वाली है? तो फर्स्ट अपडेट निकल कर आती है टीम गॉडलाइक एंड सोल के मेंबर्स के एक ट्रेंड के बारे में। तो गाइस, अभी करंटली क्या हो रहा है कि जब भी कोई गॉडलाइक या फिर सोल के मेंबर लाइव आते हैं, कुछ लोग चैट में ये स्पैम करने लगते हैं कि आप लीव कर रहे हो टीम को। पास्ट में इसके बारे में गाइस काफी बार हमने बात करी है, जहाँ पर गॉडलाइक के मेंबर्स इस पर रिएक्ट भी किए थे। एंड ये चीज पर आज फर्स्ट ऑफ ऑल लोल्स बात करते हुए ये कहे, कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई मैं, ये पता नहीं ये ट्विटर पे अलग ही प्रजाति आ गई है भाई। कोई कुछ भी ट्वीट कर देते हैं कि ये लीव कर रहा है, इसका ये हो गया, इसका वो। अरे कुछ नहीं है, मेरा सब सॉर्टेड है गॉडलाइक में, मैं क्यों लीव करूंगा? ये यार मत माना करो यार, मेरे को भी आया टैक्स, दो तीन टैक्स आया कि तुम लीव कर रहे हो, ये मत करो। अरे बट मैं कर ही नहीं रहा हूँ, फ्री का है भाई ये सब उड़ता हुआ। ऐसा कुछ नहीं है, अपन गॉडलाइक में ही है, गॉडलाइक में ही रहेंगे। देन इसके बाद गाइज, आज काफी टाइम बाद सोल रॉनी भी लाइव आए थे। पिछले कुछ टाइम में हमको उनकी तरफ से ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल पाई थी, तो लोग उनसे भी पूछ रहे थे कि आप टीम सोल को लीव करने वाले हो। फिर इस पर रिप्लाई करके वो ये कहे, पाजी प्लीज डोंट लीव सोल। अरे यार मैं सोल क्यों लीव करूंगा, टेंशन मत लो यार, सोल को फुल टॉप पे लेके जाएंगे। थोड़ा हो गया ऊपर नीचे, गलतियों को सुधार रहे हैं, फुल ध्यान दे रहे हैं, सोल को पूरा टॉप पे लेके जाएंगे, टेंशन मत लो। पूरा भरोसा है पाजी, खतरनाक कमबैक आएगा, फुल खतरनाक वाला। फुल प्रैक्टिस वगैरह चल रही है, तोड़ फोड़ चलेगी, होता है यार कई बार थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है, टाइम खराब चल रहा होता है, नहीं जाती कोई चीज़ें सही, चाहे सही करने की कोशिश भी करो, हो गया चला गया टाइम, जो बीत गया सो बीत गया, आने वाले फ्यूचर की टेंशन करेंगे अपन। और गाइस, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले स्काउट एंड सेंसेई की न्यू टीम के बारे में। तो गाइस, फॉर द फर्स्ट टाइम सेंसेई इसके बारे में बात की है कि उनकी नई टीम जो कि स्काउट के साथ में होने वाली है, उसमें और कौन प्लेयर होने वाले हैं, एंड क्या ये एक इंटरनेशनल ऑर्ग होने वाली है। एंड साथ ही में गाइस रिप्लाई किए स्काउट के साथ में खेलने के बारे में, आप देख लो। तो मैं ये बोल रहा हूं गाइस, तो हमारी तीन चार बंदों की टीम है, थ्री मैन समझ लो, एक मैं, एक सैफ, एक स्काउट और एक अंडरडॉग का भी अंडरडॉग है, ट्रेस गॉड। ट्रेस गॉड जानते हो? कोई जानता तुम्हें से चैट में कि ट्रेस गॉड कौन है? वो है। अच्छा चलो ये देखते, ठीक है ये देखते, चलो चलो। कोई जानता तुम्हें से? सेंसेई भाई स्काउट के साथ कंटिन्यू या कोई और? मैं एक्चुअली स्काउट के साथ खेल रहे हैं और बहुत सारे लोगों मुझे बताया, आप में से जो बोल रहे होंगे कि स्काउट ये है वो है, भाई वेट करो थोड़ा टाइम आने दो। मैं बोलता हूँ कि यार मैं ये नहीं कह रहा कि उसके साथ लॉन्डिया बेकार थे, वो भी ठीक थे, लेकिन मेरे हिसाब से स्काउट कभी एक आईजेल नहीं था, वो एक असॉल्टर बहुत अच्छा है, वो एक फिल्डर बहुत अच्छा है, और उसका जो प्लेयर्स थे वो तीन अंडरडॉग्स थे, मतलब कह सकते हो ठीक है। और अगर नहीं था उसमें से कोई, तो भाई उन प्लेयर बुरा मत मानना कि सेंसेई ने अंडरडॉग कह दिया, भाई मैं भी अंडरडॉग ही हूँ, मैं भी ऑफिशियल बार हो गया। तो मैं वही कह रहा हूँ कि उसका टब टाइम सब चीज़ें सही नहीं थी और उसका परफॉर्मेंस भी आया नहीं आया तो आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा वेट करो, वो भी अब बैक ऑन ट्रैक है, मेहनत करता है और बस देखते हैं बढ़िया जाएगा। आई होप न्यू ऑर्ग आप लोगों के लिए सरप्राइज होने वाली है। और वो इंटरनेशनल ऑर्ग का नहीं बताना इनको? अबे भाई ओए एक्सप्ली ही, अभी कुछ मत बता भाई, अबे भाई तेरी आवाज जा रही है स्ट्रीम पे, मत बोलिए सब। और गाइस, नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है थग भाई की तरफ से। तो कल की वीडियो में गाइस मैंने आपको बताया था, जहाँ पर थग भाई की तरफ से हमको एक काफी बड़ा मैसेज देखने को मिला था, वो बात कहते हैं करंट सिचुएशंस के बारे में। तो उसके बाद रिप्लाई किए गाइस वो चीज पर, जब कुछ लोग ये बोल रहे थे कि ये सब तो ठीक है बट प्लेयर्स के बारे में क्या, जिनके अंदर एटीट्यूड है, डिसेंसी नहीं है, ईगो दिखाते हैं। इस पर रिप्लाई करके फिर थग भाई ये लिखे थे, वॉइस नोट आएगा, टेंशन ना को, बेसिकली सेइंग कि जो भी उनकी तरफ से हमको वॉइस नोट सुनने को मिलेगा वो सारी चीज के बारे में बात करेंगे। और गाइस, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं गोब्लिन के बारे में। तो गाइस, टीम सोल में अभी रिसेंटली दो नए प्लेयर ज्वाइन हुए हैं, बट उसके पहले क्या हो रहा था कि काफी लोग गोब्लिन के रेडिट टीम सोल मैनेजमेंट को ये लिख रहे थे कि गोब्लिन को ले लो। एनीवन कुछ लोग तो ये भी बोलने लगे थे, क्या गोब्लिन टीम सोल में ट्राई आउट कर रहे हैं? तो ये सब के बारे में गाइस रिसेंटली सिड लाइव स्ट्रीम पर बात किए थे, अब देख लो। इनको बेंच करके उसे लाना, ये कौन बोलता है तुम लोग को? कौन बोलता है तुम लोग को? व्हाई रिजेक्टिंग गोब्लिन? कौन सा गत्ता फूंकते हो उठकर रात को सोने के पहले, किसका कुक खाते हो? मतलब क्या है ये, क्या है? कौन बोला तुम लोग को गोब्लिन ट्राई आउट दे रहा था? कुछ भी, मतलब कुछ भी अपने दिमाग में कुछ तो क्रिएट करते हो, किधर भी जाके हक देते हो, कुछ भी, मतलब कुछ सेंस, मेरे को सेंस ही नहीं समझ में आता। सब्जी है, धनिया है जो बिकता है यहाँ पे दादर स्टेशन पे, कि ले लो गॉब्लिन को, क्या ले लो भाई? सीजी जिस ऑर्ग में वो है, बड़ी ऑर्ग है, अच्छी खासी फंडेड ऑर्ग है, वहाँ का अभी करंटली आई थिंक ही इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्लेयर इन द टीम। मतलब ऐसे ही ले लें, जहाँ पे जाऊँ उनके घर पे ले लूँ गॉब्लिन को, क्या मतलब? कुछ सेंस नहीं है गॉब्लिन को ले। अरे क्या है ये बाबा, कुछ होती है चीजें यार। और गाइस, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं बीजीएमआई प्लेयर्स एंड उनके फ्रेंड्स के बारे में। तो गाइस, ये चीज के बारे में रोशिंदर सिन्हा बात किया है, क्या वो काइंड ऑफ कुछ एक्सपोज कर दिए, अब देख लो। वही हो गया ना, अभी लोग भाईचारा, दोस्ती यारी, मैं अभी बोलना नहीं चाहता हूँ बिकॉज नाउ यू आर नो लॉन्गर इन द सीन, बट लोग भाईचारा में, दोस्ती यारी में अपने दोस्तों को भी सैलरी पे लगवा रहे ऑग्स में। आई लाइक ब्रो, प्लेयर भी नहीं है, खेलता भी नहीं है, तुम दोस्तों को सैलरी पे लगवा रहे ऑग्स में? लाइक करता क्या है वो काम? काम क्या करता है जो उसको सैलरी मिल रही है? लाइक आपके पेरेंट्स बहुत काम करते हैं, लाइक ये क्या लॉजिक है मुझे समझा नहीं, बट छोड़ो अभी। जब लोग काम करेंगे तो सैलरी मिलेगी ना, बिना काम किए भी सैलरी, भाईचारा अलग ही लेवल पर है, बट
और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है BGMI प्लेयर्स के 2019 टाइम के बारे में। तो गाइस DPS मेटा से पहले हमको M4 UMP एंड AKM का मेटा देखने को मिलता था एंड काफी लोग ऑलरेडी ये चीज के बारे में बात करते हैं कि उनको DPS अच्छी नहीं लगती है, उनको पुराने वाला मेटा ही देखना है। तो ये चीज का गाइस अभी करंटली सोल अमन करा रहे हैं एक टूर्नामेंट जिसकी हमको कुछ वीडियोस भी देखने को मिलेगी। इसके बारे में बात करते हैं वो ये कहे, कल के शॉटगन टूर्नामेंट का इंटेंसिटी दिखाता हूं आपको। आई थिंक सारे प्लेयर्स को तो अच्छा ही लगा होगा, जहाँ तक मैंने सुना है कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल गया। मैंने भी नहीं देखा है, तो हम लोग भी जब साथ में बैठ करके कास्टिंग और रिएक्ट करेंगे तभी आपको पता चलेगा वो चीज़। ओके, क्या है नॉन शॉटगन टूर्नामेंट? इसमें बेसिकली जितनी भी शॉटगन्स है वो नहीं है, वो अलाउड नहीं, तो उसमें सिर्फ ARs फाइट होगी, जिसकी वजह से लाइक अपने को 2019-18-20 तक का जितना वाइब था जब गेम बैन से पहले बिना शॉटगन से खेलते थे ना, वो वाइब मिलेगा। बट इस बार 30-60 FPS नहीं, इस बार 90 FPS और स्किल सेट इज टोटली डिफरेंट। सो अब असली स्किल सेट जो 2024 में क्या है वो पता चले। सो मुझे भी आइडिया नहीं है, मैं खुद भी एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। कितने मैचेस थे? 50,000 प्राइस पूल था उसका, कौन जीता वो तो नहीं बताऊंगा। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं गुजरात टाइगर्स के एक्स प्लेयर सुनामी के बारे में। तो गाइस उनकी तरफ से हमको एक स्टोरी देखने को मिली जहां पर गुजरात टाइगर्स के पास ड्यूज के बारे में वो ये लिखे, हम लोग पिछले 12 महीने से गुजरात टाइगर्स से कॉन्टेक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं हमारे पुराने ड्यूज के लिए, बट वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। अब 15 महीने हो चुके हैं जब से इशू स्टार्ट हुआ था एंड अभी तक हमको और की तरफ से पेमेंट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं सुनने को मिली है। इवन दो इट्स बीन ओवर अ ईयर सिंस द ड्यू वाज क्रेडिटेड, We don't want any dispute, we just want our money back. ये पूरे मैटर के लिए हमारे पास रिसिप्ट भी हैं, बट हम कुछ लफड़ा नहीं जाते हैं, हम जस्ट चाहते हैं कि जो हमने हार्ड वर्क किया है वो पे ऑफ हो जाए। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं स्काउट के बारे में। तो गाइस स्काउट की तरफ से हमको फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्वीट देखने को मिला था जहाँ पर वो ये अलार्म एंड सायरन वाले इमोजी को शेयर किए थे, जिस पर एक जन उनको ये लिखे, भाई आप भी फार्मिंग स्टार्ट कर दिए क्या? फिर इस पर स्काउट ने ये लिखा, मुझे फार्मिंग नहीं चाहिए। देन एक जन ये लिखे, भाई स्लॉट मिला क्या आज? बहुत लोंडे लीक लीक खेल रहे। एग्जैक्टली तो गाइस स्काउट इस पर कुछ नहीं लिखे, बट वो पूछे किसका स्लॉट। और गाइस नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है निंजा जोड़ की तरफ से, वो बात किए टीम एक्सपार्क एंड सोल बूट कैंप के बारे में। ऑलरेडी गाइस आपको पता ही है पहले वो टीम एक्सपार्क का पार्ट थे, देन ही जॉइन टीम सोल। तो एक जन आज उनसे पूछे कि आपको कौन सा बूट कैंप बढ़िया लगा, जिस पर रिप्लाई करके वो ये कहे, व्हिच बूट कैंप इज गुड, सोल या TX? देखो मैं सोल में बहुत कम टाइम के लिए रहा, मजा आया सब कुछ, बट हां TX में बहुत टाइम के लिए था तो उधर बहुत सारी यादें जुड़ी है। और गाइस टीम सोल के बारे में बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है हेक्टर की तरफ से। तो गाइस वो रिप्लाई के जब एक जन उनसे ये पूछे क्या टीम सोल अब केवल बिजनेस है, अब देख लो मॉडल सोल गाइस अब भाई मल्टीपैन ऑल जब चार इमोशन थे अब बिजनेस है सोल ने, ऐसा कुछ नहीं है यार, ये तो बात की बात है भाई, हर किसी को देखना होता है भाई, जो भी डिसीजन निकाले जाते हैं वो सोच समझ के निकाले जाते हैं, उसके बाद पब्लिकली आया जाता है यार। तुम्हें क्या लगता है पब्लिकली होती है मीटिंग सब कुछ? पब्लिकली डिसीजन बनते नहीं यार, बहुत चीजें देखी जाती है भाई, तुम सपोर्ट करते हो उनका तो वो बिजनेस है, उनका तो करियर है ना, तो लोग क्या डिसीजन अच्छे नहीं लेंगे? सपोर्ट करो बस यही बोलूंगा, बैड टाइम्स में हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं डायनमो के बारे में। तो गाइस कुछ टाइम पहले क्या हुआ था कि हमको टीम हाइडर की एक लाइनअप देखने को मिलती थी जो कि एक टूर्नामेंट में बढ़िया परफॉर्म नहीं किए थे, फिर वो लाइनअप डिसबैंड हो गई थी एंड अभी करंटली BGMI e-sport में हमको हाइडर की कोई भी लाइनअप नहीं देखने को मिलती है। तो ये चीज के बारे में रुशिंदर सिन्हा बात किए, वो क्या रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से डायनमो लेफ्ट e-sports, अब देख लो। दैट्स व्हाई डायनमो लेफ्ट e-sports, वेरी स्मार्ट ऑफ हिम ब्रो, वेरी स्मार्ट ऑफ हिम, टिल he was earning x amount of money from his content, he was willing to spend part of it onto esports. When esports became a bigger burden, he stopped investing any amount, which is a smart thing because it doesn't make sense. Why to unnecessarily? Baki sab jo log nahi kama rahe hai, agar wo paise jala rahe hai, to jo log kama rahe hai, wo apni kamai kyun jalaye? मुझे गेम्स की बात अलग है, ओके गेम्स की बात अलग होती है, स्पेसिफिक गेम में भी डाउनफॉल फेस करेगा वो भी है ना, थोड़ा मोमेंटरी होता है सिर्फ, आ जाता है वापस से उसका वो हवा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है सिड की तरफ से। तो कुछ दिन पहले गाइस मैंने आपको बताया था फाइनली वो टीम सोल के मैनेजर वापस से बन गए हैं, तो इसके पीछे के रीजन को वो रिवील किया कि क्या रियल रीजन है कि वो वापस आए हैं, आप देख लो। गोल्डी भाई 150 काम करते हैं, मॉर्टल 150 काम करता है, वो काम में उनका डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए आईक्यू सोल के काम की वजह से, इसके लिए मेरे को वापस लाया गया। तो बस गाइस फिलहाल के वीडियो में इतना ही था, वीडियो पसंद आए तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।